अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रन। मैं और मेरी पूरी टीम सब खैरियत से हैं, आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ वाकयात का एक सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा टॉपिक है शद्दाद। शद्दाद कौन था, शद्दाद ने जन्नत क्यों बनाई, कैसे बनाई और वो जन्नत किस तरह की थी और उसे इस गुनाह की सज़ा कैसे मिली। ये वाकया यमन और अमान के दरमियान बिखरा हुआ है। कौम आद 850 साल कबल यहाँ पर आबाद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को वो तमाम नेमतें अता की थी जो एक खुशहाल कौम के लिए होना ज़रूरी हैं। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें खुराक, हवा, पानी और सरसब्ज़ो शादाब खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब कुछ दिया हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम की इस्लाह के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम में भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को बहुत तबलीग की, लेकिन ये कौम राह रास्त पर ना आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम की इस्लाह के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इसी सरज़मीन पे भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को बहुत तबलीग की, लेकिन ये कौम राह रास्त पर ना आई। इसी कौम का बादशाह था शद्दाद। एक का नाम शदीद था और एक का नाम शद्दाद। पहले शदीद इस कौम का बादशाह था, लेकिन शद्दाद ने अपने भाई को कत्ल करके इस कौम का बादशाह बन गया। इसी वाक़े के साथ ही साथ मैं आपको शद्दाद के बचपन के बारे में भी कुछ अहम चंद बातें बताता हूँ। एक दफ़ा का वाकया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ऐ जिब्राइल, तुझे रूह कब्ज़ करते हुए कभी तरस तो नहीं आया? तो आपने फरमाया, मुझे दो जी रूह कब्ज़ करते हुए या बारी तला तरस आया था। एक बहरी जहाज समंदर में जा रहा था, उसमें बहुत सारी औरतें और मर्द सवार थे। उसमें एक औरत थी जो हामला थी। अचानक ही मौसम समंदर का चेंज हुआ। बहरी जहाज समंदर में जा रहा था, उसमें बहुत सारे मुसाफिर सवार थे, बहुत सारी औरतें भी थीं, बहुत सारे मर्द भी थे, बच्चे भी थे। बहरी जहाज़ अपने सफ़र के लिए रवा दवा था। समंदर का मौसम काफ़ी खुशगवार था। अचानक ही तेज़ आंधी और बारिश आ गई, तो वो जो औरत उम्मीद से थी वो ये आंधी तूफान देख के बेहोश हो गई। समंदरी जहाज़ जो है वो इस तूफान को बर्दाश्त ना कर सका और तबाह हो गया। जो लोग तैर सकते थे वो तो तैर के अपनी जान बचाना शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन बहुत सारे लोग डूब गए। वो जो औरत उम्मीद से थी वो एक जहाज़ के फट्टे के ऊपर पड़ी थी और बेहोश थी। इसी दौरान वो जो औरत उम्मीद से थी उसके यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद पैदा की, एक बच्चा पैदा हुआ। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल को हुक्म दिया कि इस औरत की जान कब्ज़ कर ली जाए। तो हज़रत इज़राइल फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे उस औरत की जान कब्ज़ करते हुए बड़ा तरस आया था कि ये जो इसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, इसका दुनिया में कोई वाली वारस नहीं है। एक ही वाली वारस थी, वो इसकी माँ थी, जो जिसकी रूह में कबज कर ली है। मगर अल्लाह के राजों को कौन जानता है। अल्लाह जो भी करता है वो सब के लिए बेहतर करता है। हमारी अकलो शोर वहाँ तक नहीं पहुँचती जो अल्लाह ताला हम के लिए हमारे लिए चाहता है। पानी की लहरों के साथ साथ वो बच्चा तैरता हुआ किनारे के पास चला गया, तो उसी किनारे के पास एक माश की जो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने देखा कि ये एक फट्टे के ऊपर एक बच्चा तैरता हुआ आ रहा है। उसने वो बच्चा पकड़ लिया और इधर उधर देखा कि उसका कोई वाली वारस उसे नज़र ना आया। उसने वो बच्चा उठाया और अपने घर ले गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बेगम को दिखाया कि ये मुझे बच्चा मिला है। तो उसकी बेगम बहुत परेशान हुई और उसे पूछना शुरू कर दिया कि ये बच्चा तू कहाँ से लेके आया है। तो उसने जो सारा वाक़या था वो बताया कि ये मुझे बच्चा समंदर से इस तरह बेजारों मददगार मिला है। उसकी बेगम जो बाँझ थी, उसने बच्चे को देखा, बच्चा बहुत खूबसूरत था, वो देख के बहुत खुश हुई और उसकी परवरिश करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बड़ा होता गया। वो बच्चा बहुत ज़हीन और बहुत खूबसूरत था। एक दिन वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में खेल रहा था। अचानक वहाँ पे घोड़ों की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। वो बच्चा बहुत बहादुर था, वो बच्चा वहाँ से ना भागा। उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं देखूँ कि ये आवाज़ कैसी है और ये कौन लोग हैं। वो शाही ख़ानदान का एक वफद था। उसमें उस वफद में, यानी कि उस जो काफ़िला था उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। उस काफ़िले में शाही ख़ानदान में आगे आगे शाही ख़ानदान चल रहा था, पीछे सिपा सलार थे और पीछे उनके प्यादे थे। जो प्यादे होते हैं उनका काम होता है कि इधर उधर की खबरें लेके बादशाह को पहुँचाएँ। प्यादे उस काफ़िले के पीछे पीछे चल रहे थे, उन्हें रस्ते में से एक सुरमे की सुराही मिली। उन्होंने वो उठा ली और उसे देखना शुरू कर दिया। जब वो खोला तो उसमें ताज़ा सुरमा था। तो एक प्यादा बोला, मेरी आंखें ख़राब हैं और मैंने सुना है कि सुरमा आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो उसकी एक सिलाई अपनी आंख में डालने लगा तो दूसरे ने उसे
सिलाई डालने से मना कर दिया। वो बोला कि देख इसे तू ऐसे ना इस्तेमाल कर, कोई ऐसा वैसा ना कुछ हो जाए, ऐसा कर तू इसे किसी के ऊपर पहले तजर्बा करके देख ले। उसने इधर उधर नज़र दुराई और देखा कि वहाँ दूर टीले पे एक लड़का खड़ा नजर आया। उसने उस लड़के को आवाज़ दी कि इधर मेरे पास आ। वो लड़का भागता हुआ उनकी तरफ आया। जब वो लड़का उनकी तरफ आया तो उसने उस लड़के को कहा ये मेरे पास एक सुरमा है, इस सुरमे को तुम अपनी आंखों में डाल के देखो कैसा है। उस लड़के ने एक सिलाई अपनी आंखों में डाली और शोर मचा दिया कि ये तूने मेरी आंखों में क्या डाल दिया है, मैं तो अंधा हो गया हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। ये सारी बातें करने की एक वजह थी, वो लड़का बहुत चलाक जहन का मालिक था। उसने सोचा ये जो मुझे ख़जाने नज़र आ रहे हैं ये क्यों ना ख़जाने मैं सारे समेट लूँ। तो उसने उन्हें कहा कि देखो आपने मेरे साथ जुल्म किया है, मैं मौजूदा वक़्त के बादशाह से आपकी शिकायत करूँगा कि आप लोगों की वजह से मेरी आँखें चली गई। उस लड़के का ऐसा कहना ही था कि वो दोनों प्यादे वहाँ से भाग गए। वो लड़का वो सुराही ले कर अपने घर चला गया। उसने जाके सारा माजरा अपने बाप को सुनाया। उसके बाप ने कि बाप के जहन में ये ख्याल आया क्यों ना रात होते ही हम इस सुरमे को इस्तेमाल करें और तुम मुझे निशानदही करना कि कहाँ कहाँ खजाने मौजूद हैं, मैं वहाँ से खजाने उखाड़ के ले आऊँगा। ऐसा ही हुआ, रात हुई, उसने वो सुरमा इस्तेमाल किया और जहाँ जहाँ पर निशानदही की जहाँ जहाँ पे खजाने हैं उसके बाप ने वो खजाने इकट्ठे किए और घर ले के आया। ये सिलसिला काफ़ी अर्सा तक चलता रहा, यहाँ तक कि वो अपने इलाके के या अपने उस गाँव के अमीर तरीन बंदे बन गए। वक्त गुजरता गया, वो लड़का वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया, क्योंकि वो अब वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ वो लड़का बड़ा होता गया और साथ ही साथ उनके पास काफ़ी माल और दौलत इकट्ठी हो गई। वो लड़का बहुत ज़हीन और बहुत चलाक था। उसने इलाके के अमीर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने घर बिठा के खाना खिलाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इलाके में मशहूर होता गया, यहाँ तक कि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी फैल गई कि लोग उसे सरदार की नज़र से देखने लगे। ये बात मौजूदा वक़्त के बादशाह को पता चली तो वो काफ़ी गमो गुस्से में उसने अपनी फ़ौज को कहा कि जाओ उस लड़के को गिरफ्तार करो या उसके ऊपर हमला करो। तो उतनी देर में वो जो लड़का था उसने भी चुपके से अपनी फ़ौज तैयार कर ली हुई थी। तो जब वो फ़ौज इसके ऊपर हमलावर हुई या उसे गिरफ़्तार करने आई तो इसने अपनी फ़ौज को उनके ऊपर हमला करने को कहा। इवन के दोनों में को की आपस में जंग हुई और वो जंग शद्दाद जीत गया। ऐसा करने से वो एक इलाके से दूसरे इलाके पर तीसरे इलाके पर ऐसा करता करता वो हमले करता करता वो पूरे इलाके का बादशाह बन बैठा। जब शद्दाद अपने उस इलाके का बादशाह बन गया तो उसने सोचा कि मैं अपनी इन मालो दौलत को मज़ीद बढ़ाता हूँ। लोगों को वो उसने लूटना शुरू कर दिया। एक इलाके से दूसरे इलाके पर जो हमला करता वहाँ के सारे जितना वो उसे माल मिलता था, जो जेवरात मिलते थे, जो ख़जाने मिलते थे, वो ख़जाने वो लूट के घर लेके अपनी यानी कि सल्तनत में लेके आता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम के ऊपर भेजा क्योंकि ये कौम शिर्क में मुब्तला हो गई, भटक गई थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को और उसकी कौम को यानी कौम आद को बहुत समझाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस कौम को यानी कि कौम आद को बहुत समझाया, उन्हें कहा कि आप लोग राह रास्त पे आ जाओ, लेकिन वो कौम एक भी बात मानने को तैयार ना थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में सारा डिटेल से बताया। शद्दाद ने जब जन्नत के बारे में सुना तो उसने इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से यानी कि या जो दूसरे वहाँ पे उलमाए किराम मौजूद थे उस वक़्त के, उनसे वो जन्नत के बारे में मज़ीद डिटेल से पूछना शुरू कर दिया कि जन्नत कैसी है, किस तरह की होगी, यानी कि सारा उसने वो जो था उसका सारी डिटेल वो पूछ ली। शद्दाद ने जब आपसे सारी डिटेल जन्नत के बारे में सारी डिटेल ले ली तो बोला ये कौन सी बड़ी बात है, जन्नत तो मैं भी दुनिया में बना सकता हूँ। तो उसने ऐसा ही किया, उसने पूरी दुनिया से सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे करने शुरू कर दिए और जितने भी आला दर्जे के कारीगर थे वो अपने इलाके में उन्हें भी बुलवा लिया। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये कौम आद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में बहुत माहिर थी। तो उसने शद्दाद ने भी ऐसे किया, सोने और चांदी की ईंटों से बड़ी बड़ी बुलंद इमारतें बनाई, सरसब्ज़ शादाब खेत बनाए, सोने के जो थे वो बागात बनाए, सोने की उनकी जड़ें बनाई और जो हीरे थे उन बागों में लटकाए। शद्दाद ने उस जन्नत में दूध की नहरें चलाईं, ठीक है, और एक फौज बनाई, सिपा सलार बनाए, यानी कि या फिर आप कह लें कि एक गार्ड बनाए जो उसके गेट पे तैनात थे,
फिर वो जितने भी कारीगर थे उनके जो बाज़ार थे, जो जन्नत के बाज़ार बने, उन कारीगर को उन बाज़ार में बैठाया कि वो अपने फ़न का जो फ़न का मुजाहरा वहाँ पर करें। इवन के उसने जो जो भी सुना हुआ था उसने सारा कुछ बना डाला, क्योंकि शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहि सलाम से जन्नत के बारे में जितना भी उसका नक्शा था सारा पूछा हुआ था। उसने ऐन उसी मुताबिक वो जो जन्नत थी उसने वो बना डाली। उसने ये अहद किया था कि मैं इस जन्नत में उतनी देर कदम नहीं रखूँगा जितनी देर तक ये मुकम्मल नहीं हो जाती। शताब्दी की जन्नत तैयार होने के बाद उस इलाके के जितने भी अमीर हुक्मरान थे या जो अमीर ख़ानदान थे उन सबको उसने अपनी जन्नत में दावत दी। जब वो लोग अब उसकी जन्नत में आ गए तो शद्दाद को भी पैगाम पहुंचा कि सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। शद्दाद ने भी अपने घर से अपने घोड़े के ऊपर बैठा और जन्नत की तरफ रवाना हो गया। वो भी जन्नत के गेट के करीब पहुंचा था तो उसका एक पाँव घोड़े की रकाब में था और एक पाँव ज़मीन पे था, और अल्लाह पाक ने इसराइल को हुक्म दे दिया कि इसकी जान कब्ज़ कर ली जाए। उसने देखा कि जन्नत के गेट के सामने एक शख्स खड़ा है जो उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया है। उसने उसके साथ काफ़ी मिन्नत समझ की, उससे कहा कि देखो मैंने इतनी मेहनत के साथ जन्नत बनाई है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं एक झलक इसे देख ही लूँ। लेकिन हज़रत इज़राइल ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह पाक ने आपको इसका मौका नहीं दिया। उसकी लाख मिन्नत मदद करने के बावजूद भी हज़रत इज़राइल ने उसकी एक ना सुनी और उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। शद्दाद की मौत के बाद हज़रत इब्राहिम ने एक ज़ोरदार चीख मारी और वो सारी जन्नत जो थी उसकी वो ज़मीन में धस गई। शद्दाद का अंजाम कौम आद के सबक के लिए काफ़ी था, लेकिन कौम आद जो अपनी हर धर्मी पे कायम रही और वो राह रास्त पे ना आई। आखिरकार हज़रत हूद अलैहि सलाम मायूस हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने लोगों को इकट्ठे करो और इस इलाके से बाहर निकल जाओ। हज़रत हूद अलैहि सलाम का अपने लोगों को लेके इस इलाके से बाहर जाना ही था तो पीछे कौम आद पे अजाब आ गया। वो अजाब तेज़ आंधी, धूल, तूफान और जल्जले की शक्ल में था, जिससे वो पूरे का पूरा इलाका, वो पूरे की पूरी जन्नत जो ज़मीन में धस गई। वो लहलहाते खेत, वो ऊंची इमारतें, वो सोने की चांदी की ईंटों से बनी हुई बुलंद इमारतें सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई, और वहाँ पे बाकी क्या रहा, वही रेत के ऊंचे ऊंचे टीले बाकी रह गए। इस स्टोरी से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के नाफरमान जो लोग होते हैं उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है, लिहाजा हमें हर वक्त अल्लाह की अतात में मशगूल रहना चाहिए और उसके अहकाम पर अमल करना चाहिए। तो वीवर, मैंने इस वाक़े को मुख्तसर तरीन करके आप लोगों को बयान कर किया है ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।